नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में सरकार द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाती रही है। कई तरह से सरकार जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी मदद करती रही है, और ऐसे में एक मामला है पुनपुन का, जहां कब्रिस्तान पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करने की बात सामने आ रही है। और कुछ लोग यहां मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी लेकर वो पटना गृह विभाग में आए हैं और वहां उन्होंने आवेदन दिया है। आपका नाम? मोहम्मद सलीम आलम है। सलीम साहब, क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल? वहाँ का जो है, हम लोग कब्रिस्तान को घेराबंदी करना चाहते हैं। की बात है, पूरा विस्तार से बताओ। थाना पुन धरारा है, थाना नंबर 41 और पुनपुन ब्लॉक है, और प्रखंड में प्रखंड बन चुकी है। सारी प्रखंड को हम लोग दिए हैं गृह विभाग को, मगर अभी तक उसकी मंजूरी नहीं मिली है। और लोग कब्रिस्तान को और मजार की ज़मीन को कब्जा बना कर रखा है, उसे मुक्त नहीं कर रहे हैं। बार बार हम अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को हम दे रहे हैं, बाकी उसका सीमांकन करने के आदेश भी हो चुका है, बाकी उसकी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जब आपने थाना और ब्लॉक में सर्किल ऑफिसर सीओ को कंप्लेंट किया तो वहाँ से क्या बोला गया? तो बोले कि ठीक है इसको, बाकी हम बोले कि अभी तक इसका घेराबंदी के लिए हम दिया गया प्रोजल, अभी तक उसका पास नहीं हुआ है। प्रोजल अभी हम सीमांकन को गृह विभाग को लगा कर दिए हैं। अभी आपने गृह विभाग को सचिव को एप्लीकेशन लिखा? हाँ, लिखा है। अभी क्या मांग है उसमें? कि हम उसको अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसको घेराबंदी किया जाए। आपका नाम? एमडी मंजूर आलम। क्या हुआ है कब्जा, कब से कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा किया हुआ है? एक मोटा मोटी लगता है सर, ये आपका 60 बरस से होगा। 60 बरस से कब्जा है? जी, कब्जा है कब्रिस्तान और मजार का ज़मीन। अच्छा। और हम लोग तो चाहते हैं सर कि घेराबंदी हो जाए तो अच्छे रहेगा, और ज़मीन पर जाते हैं तो बहुत सा बात होता है, तो घेराबंदी हो जाएगा तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो घेराबंदी के लिए आप लोगों ने अभी तक जब भी आवेदन दिया तो कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ सर। ब्लॉक से क्या बोला जाता है? कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है हो जाएगा, खाली टहलाते हैं सब। आप? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नन्ने। तो आप लोग यहाँ पटना वो गृह सचिव से मिलने आए? जी जी। आवेदन दे दिया? जी जी। तो वहाँ जब आप लोग लोकल ब्लॉक में बोलते हैं तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती? अभी तक तो कुछ नहीं हुई सर। तो ये लोग हैं जिनका कहना है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है, और ऐसे में ये लोग गृह सचिव से मिलने वहाँ आवेदन देने पटना आए हैं, और यहाँ आकर इन्होंने आवेदन दिया है। अब देखना है कि इनके आवेदन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने लोकल ब्लॉक में भी आवेदन दिया मगर वहाँ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।